दोस्तों जीवन से जुड़े तमाम क्षण हर किसी के जीवन में आते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। लोगों को आमतौर पर लगता है कि हमारा स्वभाव ही हमारी सफलता और असफलता की कहानी लिखता है, मगर ऐसा हर बार सच नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि अच्छे स्वभाव के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन्हें भी असफलता हाथ लगती है। वहीं आजकल के तेज तर्रार जमाने में भी सीधे साधे लोगों का जीना मुश्किल होता है। सीधे साधे लोग कई बार मुश्किलों में फंसते हैं जो उनकी कामयाबी को उनसे दूर कर देता है। वैसे तो भोले भाले और सीधे साधे लोगों को हर कोई प्रताड़ित कर लेता है, लेकिन प्रकांड विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी ऐसे लोगों के लिए कुछ खास युक्तियां बताई हैं जो उनकी कामयाबी को सुनिश्चित कर सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है। चाणक्य अपने एक दोहे में कहते हैं कि जो लोग स्वभाव से सीधे होते हैं उन्हें हरदम ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके हरदम ऐसा रहने से कोई भी उनका गलत फायदा उठा सकता है। दुनिया की हर पीढ़ी में विद्वान चालाक लोग ऐसे ही सीधे साधे लोगों के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी करते हैं। कभी कभार इसी वजह से इन्हीं सीधे साधे लोगों को अपमान भी सहना पड़ता है। इसी कारण ऐसे लोगों को दुर्बल माना जाता है, अतः उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अत्यधिक सीधा स्वभाव भी मूर्खता की श्रेणी में आता है, इसलिए व्यक्ति को थोड़ा चतुर भी होना चाहिए ताकि वह जीवन में कुछ बेहतर कार्य कर सके। इस बात का उम्दा उदाहरण है जंगल में लगे सीधे वृक्ष। जंगल में लगे सीधे पेड़ ही काटने के लिए सबसे पहले चुने जाते हैं। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। मानवीय व्यवहार में कुछ बुराइयां और गलत आदतें भी शामिल होती है। गुस्सा करना भी एक बुराई के समान है। क्रोध के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध यमराज के जैसा होता है, तृतणा यानी इच्छाएं वैतरणी नदी है और शिक्षा कामधेनु के समान है। साथ ही संतोष नंदन वन है। शास्त्रों के अनुसार वैतरणी नदी को कोई पार नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हमारी इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। आचार्य के अनुसार शिक्षा या विद्या कामधेनु के समान होती है। ये हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है और परेशानियों से बचाती है। शिक्षा से व्यक्ति के जीवन में सभी सुख सुविधाएं आती है, वहीं व्यक्ति में संतोष भी होना चाहिए। संतोष से ही सुख मिलता है। चाणक्य ने संतोष को नंदन वन के समान बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग।